हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंग्लिश ग्रामर ऑफ स्टैंडर्ड टू। उसमें लेसन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये सारे प्रोनाउंसिएशन का यूज करके हमें करेक्ट आंसर लिखना है। वन नंबर, चिल्ड्रन हैव कम बैक फ्रॉम स्कूल। सारे बच्चे स्कूल से वापस आ गए। मदर गिव्स ब्लैंक फूड टू इट। यहाँ दो वर्ड्स है, देम और इट। तो ये बच्चे है तो इट तो नहीं हो सकते, ऑब्वियसली देम ही आएगा। और बच्चे, सारे बच्चे है, एक से ज्यादा है, इसीलिए देम। मदर गिव्स देम फूड टू इट। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी और अस। तो दीज है यानी कि एक ही शर्ट है, शर्ट्स नहीं है यहाँ पर, एक ही शर्ट है, ब्लैंक से ही पता चलता है। तो मेरे लिए ही होगा तो मी। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, मुझे बड़ा हो रहा है। गो एंड चेंज, फिर यहाँ पर शर्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग है। तो इट, जाओ और उसके बदल के आओ। थ्री नंबर, माई शूज आर डर्टी, आई मस्ट पॉलिश शूज। यानी कि एक से ज्यादा शूज के बारे में बात है। तो यहाँ पर इट और देम दो वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में। तो एक शूज शू होता तो हम इट यूज करते क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, पर यहाँ पर शूज यानी कि एक से ज्यादा है तो देम वर्ड यूज होगा। माय शूज आर डर्टी, आई मस्ट पॉलिश देम। फोर नंबर, द पेशेंट हैज फीवर। पेशेंट को बुखार है। गिव ब्लैंक सम मेडिसिन। यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है तो पेशेंट जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली कोई पर्सन ही होगा, तो उसके बारे में हिम यूज होगा। हिम सम मेडिसिंस। यहाँ हर होता तो हर भी यूज हो सकता था, पर यहाँ पर ब्रैकेट में दो ही वर्ड दिए हैं, हिम और इट, तो इसमें से हिम आएगा। फाइव नंबर, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। हमारे लिए गिफ्ट होगा तो यू। प्लीज टेक इट। गिफ्ट गिफ्ट है वो नॉन लिविंग थिंग यानी कि इट। फादर हैज कम बैक फ्रॉम ऑफिस। फादर ऑफिस से घर वापस आए। गिव ब्लैंक सम वॉटर। गिव हिम, फादर है इसीलिए हिम, मेल जेंडर हुआ ना फादर, इसीलिए। सेवन नंबर, द स्मॉल डॉग वॉज रनिंग आफ्टर अस। हम सबके पीछे डॉगी दौड़ रहा है, तो एक से ज्यादा यानी कि अस हमारे पीछे दौड़ रहा है। एट नंबर, रमेश इज अ पोस्टमैन। रमेश एक पोस्टमैन है। ही ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस। वो हमारे लिए लेटर्स को लाते हैं, तो अस। थैंक यू।